हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतिदिन 250 किलोमीटर चलेगी सीएम रैली, 170 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी यात्रा, 371 जगह होगा स्वागत और 134 जगह होगी आम सभाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक की रचना पूर्ण करके चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में पिछले 4.5 साल में किए गए कार्यों से राजस्थान प्रदेश का गौरव जो बढ़ा है उसे बताने के लिए प्रदेश भाजपा आगामी 4 अगस्त से राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है। इस दौरान सीएम अपनी यात्रा में प्रतिदिन 250 किलोमीटर चलेंगी। 170 विधानसभा क्षेत्र से निकलने वाली इस यात्रा का 371 जगह भव्य स्वागत होगा। यात्रा के दौरान सीएम और बीजेपी नेता 134 जगह जनसभाएं करेंगे। इस यात्रा को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, संयोजक गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सह संयोजक अशोक परनामी, जन अभाव अभियोग निर्कारण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पटीदार, खाद मंत्री बाबूलाल वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा संयोजक गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि राजस्थान भाजपा की राजस्थान गौरव यात्रा 4 अगस्त से उदयपुर संभाग से शुरू होगी। चार भुजा में पूजा अर्चना के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम वसुंधरा राजे यहां जेके स्टेडियम में पहली आम सभा को संबोधित करेंगे। कटारिया ने बताया कि उदयपुर संभाग में 4 से 10 अगस्त तक यात्रा रहेगी और 23 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसके बाद भरतपुर संभाग में 16 और 17 अगस्त और 19 और 20 अगस्त को यात्रा कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। स्थानों पर रामसभाएं होगी और 371 स्थानों पर स्वागत का कार्यक्रम होगा, जहां रास्ते में कोई पंचायत या झाले होगी। टोटल यात्रा 6054 किलोमीटर की कुल यात्रा होगी। सामान्यतः यह पहली यात्रा प्रारंभ होगी 6054 किलोमीटर। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।